तो देखिए भाई लोग, जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे हम आधुनिक टेक्नोलॉजी की तरफ फार्मिंग या खेती करते हैं। तो बेशक हम टेक्नोलॉजी के साथ फार्मिंग करना जानते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, पर हम जो पुरानी चीज़ें हैं उसे भूल नहीं सकते। तो आज वैसे ही एक पुराना जो थ्रेसर है जो मूंगफली को साफ करने में मदद करता है, तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है बैरल और इसमें होता है पानी। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। और ये इंजन है, ये मशीन जो है वो बेशक डीजल से चलता है और काफ़ी पुराना भी है। आजकल मार्केट में आपको कम देखने को मिलेगी क्योंकि आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसमें ये इस्तेमाल कम होता है और इसकी जगह नए नए थ्रेसर ने और मशीन ने ले ली है। तो ये जो थ्रेसर है वो काफ़ी अच्छा है। मतलब मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर से जो क्लीन वैरायटी है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, वो निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है ऐसा जो थोड़ा वेस्ट होता है और जो धूल होती है मिट्टी वैसा निकलता है, और यहाँ पर है जो प्योर मिट्टी निकलती है। और उसके बाद जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्शन होता है बहुत ही क्लियर, और इसे आप मार्केट में बेचने जाओगे तो बहुत ही अच्छी प्राइस मिलेगी क्योंकि ये क्लीन है और पूरी तरीके से साफ हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि ये खाने में बेस्ट है और इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर आप खेती करते हैं तो आपको पता होगा क्योंकि इसमें खर्चा भी कम आता है और उसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो भी काफ़ी हाई होती है ज़मीन के हिसाब से। और इसकी कई सारी वेराइटीज़ बनती है कि आपको पता नहीं होगा, आप दिन में कई सारी चीज़ें खाते हो इसमें ये ऐड ही होगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई।